हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम सुनो बात करने वाले हैं बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से यहाँ पे स्टूडेंट को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में एक लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट इलिजिबल होंगे, कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे 30 अप्रैल 2020 तक यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे किसी भी ब्राउजर में, गूगल में हो या कहीं भी, आप टाइप करेंगे BCEBC, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आप टाइप करेंगे तो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे BCEBCWelfare.BIS.NIC.IN, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको ये तरीका इसलिए बताया ताकि बहुत सारे लोग अलग अलग वेबसाइट पे चले जाते हैं, उनको मिल नहीं पाती ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक PDF नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएगा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा जो कि आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट इलिजिबल हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं और कितनी अमाउंट उनको मिलेगी, तो यहाँ पे लिखा गया साफ साफ फ्रेंड्स कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एक मुफ्त 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है, इस योजना के माध्यम से फ्रेंड्स वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं जो लोग यहाँ पे 65वीं BPSC की जो यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा में पास हुए हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा होता है। फ्रेंड्स, जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनको पता होगा यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग हर साल यहाँ पे आयोजित करती है, ISPCS के यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि लोग प्रथम एग्जाम देते हैं, उसके बाद सेकेंड एग्जाम देते हैं, तब जाके उनका इंटरव्यू होता है, तब जाके वो यहाँ पे सिविल सेवा में ज्वाइन होते हैं, यानी ISPCS बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अगर क्वालिफाई कर लिए हैं 65वीं का, तो यहाँ पे वो आवेदन करेंगे तो उनको यहाँ पे 50,000 रुपए मिलेंगे, बशर्ते वो यहाँ पे पिछड़े वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए, अधिसूचित, यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए। तो वही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे जो यहाँ पे पिछड़े वर्ग का सदस्य है और 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ बिहार राज्य का स्थायी निवासी भी होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दे होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो एक ही बार यहाँ पे लाभ ले सकता है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स, आवेदन करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे देख सकते हैं 30 अप्रैल 2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो आपको सबसे पहले एक फोटो लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा, एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित पति, और उसके बाद से जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद से आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद से यहाँ पे स्वयं के नाम से एक एक्टिव बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको अमाउंट जाएगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना एक खुद के नाम से यहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद से आप बैंक के खाता जो होता है उस पर IFSC कोड साफ साफ लिखाना चाहिए, तो पासबुक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अथवा यहाँ पे हस्ताक्षरित रद्द चेक, यहाँ पे अगर कोई चेक है उसको रद्द कर दिया गया है तो उसको भी आपको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आवेदन करके आपको दिखाते हैं कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे
आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद से यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है, उसके बाद से पिता या फादर का नाम देख सकते हैं, हस्बैंड नेम अगर वो लेडीज हैं उनको मैरिड हैं तो यहाँ पे अपना हस्बैंड नेम भरेंगे, उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे उनको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अपना जेंडर चूज करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेल फीमेल अदर, तो आप यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद से कोटी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल एक ही प्रकार के स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी में, वो चूज करेंगे। जैसे ही चूज करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे अपना कोटी चूज करेंगे, आप देख सकते हैं जाति, यहाँ पे देख सकते हैं ये जाति का लिस्ट है, उपजाति जिसको बोलते हैं, ये लिस्ट है आप देख सकते हैं, इसमें से जो भी आप जाति है आप अपना जाति उपजाति आप अपने घर से भी पूछ सकते हैं अगर आपको अपना ओरिजिनल जाति नहीं पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप अपना चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं नोनिया है, नाई है, नट है, देख सकते हैं ना इतने सारे जाति हैं जो यहाँ पे मल्लाह है जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे अपना जाति चूज करेंगे, उसके बाद से एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो आपको याद रहे, वैसा पासवर्ड यहाँ पे डाले जो आपको याद रहना है, ठीक है ना। उसके बाद से कैप्चा कोड भरना है और रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप जैसे ही ये सब चीज भरने के बाद से आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो आपको जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोबारा से आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। लॉग इन करके यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, यूजर आईडी आपके मोबाइल पे एसएमएस चला जाएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड और यूजर डाल के और कैप्चा भर के लॉग इन करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये लॉग इन हो जाएंगे और लॉग इन होने के बाद से आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, उसके बाद से अपना जाति सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड अपलोड करनी है आपको वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे पास इस प्रकार से कोई एप्लीकेंट नहीं है जो कि मैं आपको आवेदन करके दिखाऊं, आप अच्छे से भरें, बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप इजिली भर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको अवश्य हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है, लास्ट उसको सबमिट करने के बाद से एक आपको फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक रख लेनी है डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करके भी रख लेनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स बताया गया एक चीज और, दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर यूपीएससी कैन सेम लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड फॉर फिलिंग बीपीएससी। तो अगर फ्रेंड्स जो यूपीएससी के यहाँ पे ऑलरेडी आवेदन किए हुए थे वो यहाँ पे लॉग इन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे बीपीएससी का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल के। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए 50 KB से कम होना चाहिए और यहाँ पे सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करनी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह योजना का जो मेन मकसद है फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं बीपीएससी का यूपीएससी का, उनको सेकेंड एग्जाम की तैयारी के लिए पैसा नहीं मिल पाता है, जो गरीब घर के छात्र हैं, स्टूडेंट है, जैसे पिछड़ा वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो उनको यहाँ पे एक प्रोत्साहन राशि मिलती है 50,000, कम पैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो आप अपना सेकेंड एग्जाम का तैयारी करें और उसमें भी आप क्वालिफाई हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सरकार बिहार सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, बहुत ही अच्छी योजना है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बताएं उन लोगों को, सबको बताएं कि इस तरह की योजना आई हुई है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से आईडी फॉर्म फिलअप करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको बताएं और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं उनको, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए वैकेंसी के साथ, नए जॉब के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।